हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 3 का 4 नंबर बनाएंगे। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा था कि हम लोग क्या करना था, फाइंड द मिसिंग टर्म। ठीक है, जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में -4 कोमा बॉक्स, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर छठा टर्म कौन सा, सिक्स टर्म कौन सा हम लोग का, ए, मतलब सिक्स टर्म भी सिक्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। ठीक है, सिक्स टर्म कितना है, सिक्स ही है। तो ए कितना दिया हम लोग का, ए कितना दिया, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ए कितना दिया, -4। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हम लोग का ए सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्स ही हो जाएगा। ठीक है, ए सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, क्योंकि कितना है, कौन से टर्म में है, ये सिक्स टर्म में, उसको क्या है, सिक्स है, इसीलिए। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए आगे देखते क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोग डी निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए डी निकालने क्या क्या करेंगे, ए क्या करेंगे हम लोग, ए सिक्स को क्या करेंगे, ए सिक्स ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला है हम लोग का। ठीक है, ए सिक्स कितना दिया, सिक्स है, ए कितना दिया हुआ, ए हम लोग का दिया -4, प्लस एन कितना दिया, एन हम लोग का क्या है, सिक्स माइनस वन, और डी नहीं पता। अब देखिए सिक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस सिक्स में से वन माइनस करेंगे तो फाइव, और ये इंटू में डी। ठीक है, फाइव डी हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए -4 इक्वल टू किधर आएगा, तो +4 हो जाएगा, इसको इधर भेज दिए, इधर क्या बचा, फाइव डी। ठीक है, अब देखिए सिक्स डी में ऐड कर देंगे सिक्स में ऐड कर देंगे फोर, तो कितना हो जाएगा, टेन। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, फाइव डी। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए क्या करेंगे, टेन इक्वल इधर क्या है, फाइव इंटू में इक्वल टू किधर आएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू किधर आया, तो डिवाइड में होगा, फिर कैंसिल कर दिया हमने, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, डी बराबर कितना आ गया, टू। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग इससे क्या करेंगे, हम लोग इससे सेकेंड टर्म निकालेंगे। आप देखिए फर्स्ट टर्म तो पता है हम लोग, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, ए टू करके फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, ए प्लस एन एन माइनस वन एन टू डी। ठीक है, ए टू निकाल रहे हैं। ठीक है, ए कितना दिया, ए हम लोग का दिया है -4। ठीक है, ए कितना दिया हम लोग का, -4, ए हम लोग का है -4, प्लस एन कितना दिया स्टूडेंट, एन हम लोग का दिया है, एन कितना है, टू -1, और डी कितना निकाले हम लोग, टू, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये -4, यहाँ कितना बचेगा, ये +2 में वन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन इंटू टू, अब ये हो जाएगा -4 प्लस टू वन जा टू, कितना आ जाएगा, देखिए क्या है, माइनस प्लस है। ठीक है, माइनस प्लस है, जब माइनस प्लस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, फोर में टू माइनस करेंगे कितना बचेगा, टू, कौन बड़ा, फोर बड़ा, और फोर के पहले क्या है, माइनस, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, ए टू निकल गया, अब इसे हम लोग ए थ्री निकालेंगे, कितना निकालेंगे, ए थ्री, हम लोग ए थ्री निकालेंगे, फॉर्मूला डाल देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए कितना दिया हम लोग, ए दिया था हम लोग स्टूडेंट -4, ए कितना दिया था, -4। ठीक है, ए लिख देते हैं -4, प्लस एन हम लोग कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, कि तीसरा टर्म निकालना, नंबर ऑफ टर्म होता है ना, तो कौन सा टर्म निकाला, थ्री ना, -1, डी कितना हो जाएगा, डी हम लोग ने निकाला है टू, चलिए क्या हो जाएगा, -4 प्लस, देखिए थ्री में वन माइनस करेंगे टू बचेगा, और ये इंटू टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस क्या हो जाएगा, ये टू टू जै फोर, प्लस माइनस प्लस रहता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, फोर में फोर माइनस करेंगे जीरो। ठीक है, हम लोग का निकल गया, कितना आ गया, जीरो आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ए फोर निकालेंगे, ए फोर, ठीक, कैसे निकला, फॉर्मूला डाल देते हैं, फॉर्मूला डाल दिया, ए कितना दिया था, ए दिया था हम लोग का, ए दिया था स्टूडेंट -4, प्लस एन कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 -1, डी कितना निकाले हम लोग ने, 2, ए कितना दिया था हम लोग का, -4। ठीक है स्टूडेंट, ए -4, चलिए क्या करेंगे, अब देखिए -4 ये कितना हो जाएगा, 4 में 1 माइनस करेंगे 3 इंटू 2, ठीक है, यहाँ 3 बचेगा और ये 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, -4 प्लस कितना हो जाएगा, 6, कितना बचेगा, माइनस प्लस रहता तो माइनस करते, मैंने आपको बताया, अब कितना बचेगा, 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है,
टू बचेगा। अब चलिए अब आ जाते हैं फाइव में। अब हम लोग फाइव में आ जाएंगे तो कैसे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ए ए कितना दिया था हम लोग का माइनस फोर, प्लस एन कितना हो जाएगा फाइव माइनस वन, और डी कितना हो जाएगा टू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस फोर प्लस कितना बचेगा यहाँ पे माइनस कर देंगे तो फोर, और ये इंटू टू क्या हो जाएगा माइनस फोर, प्लस ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर टू ज़ा एट कितना बचेगा, माइनस प्लस रहता है तो माइनस प्लस रहता है तो माइनस करते हैं, एट में फोर माइनस करेंगे कितना बचेगा हम लोग का स्टूडेंट फोर। तो हम लोग का देखिए हम लोग ने जितना भी बॉक्स मिसिंग टर्म था उसको निकाले, एक दो तीन चार, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो देखिए हम लोग का आ गया सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टूडेंट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।